सफेद बालों की प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए आज बहुत ही अच्छा रामबाण उपाय लेकर आई हूँ, जो कि ऑल इन वन प्रॉब्लम से निजात दिलाता है। चाहे सफेद उनकी प्रॉब्लम हो, बाल लंबे नहीं हो रहे हो, या टूट रहे हो, झड़ रहे हो, सिंपल सी रेमेडी है, इसको फॉलो कीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने लेना है नागर मोती, ये काफ़ी इफेक्टिव है। जी हाँ, ये आराम से आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएगा, जहाँ पे जड़ी बूटियों का पूजा का सामान मिलता है ना, वहाँ से भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और साथ में ही मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ही परचेस कर सकते हो। इसका पाउडर भी आता है, तो ये भी आप डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जड़ डाली है, और अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आपने इसमें डालना है। अब आपने इसमें डालना है ब्लैक नेचुरल हिना पाउडर, ये 2 टीस्पून आपने डालना है। ये नेचुरल वे से हमारे बालों को ब्लैक फॉर्म में करता है। अब आपने इसमें डालना है रेड कमला पाउडर, दोस्तों ये भी 2 टीस्पून डालना है। जितने भी पाउडर्स आप डालोगे, सबकी क्वांटिटी सेम रखिएगा। तो ये डाल दीजिए, ये हमारे बालों के लिए वरदान से कम नहीं है, काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता है। इसमें इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि बालों की समस्या से निजात दिलाती है। तो ये आपने डालना है। अब आपने इसमें डालना है आंवला, रीठा एंड शिकाकाई पाउडर, ये तीनों पाउडर्स की गुडनेस इसमें है, तो ये भी आपने डाल देना है 2 टीस्पून। दोस्तों ये जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, काफ़ी अच्छी तरह से आपके बालों पर वर्क करती हैं, और साथ ही साथ इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आप सभी इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो या जवान हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है। अब आपने इसमें डालना है शिकाकाई पाउडर, ये भी 2 टीस्पून, सबकी क्वांटिटी सेम रखिएगा। ये सभी चीज़ें नेचुरल है। और हाँ दोस्तों, आप चाहोगे कि पहली बार में ही कलर आ जाए आपके बालों पर, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपके बाल ज़्यादा सफ़ेद हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये आपको रिजल्ट देता ही देता है। तो अब आपने इसे डालना है हिबिस्कस एंड मेथी पाउडर, तो ये भी 2 टीस्पून डाल दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि नेचुरल ब्लैक कलर, तो आपने 2 पाउच कॉफ़ी के इसमें डाल देने हैं, और साथ ही मेहंदी डाल देनी है। और अब आपने गैस की फ्लेम ऑन करनी है, और सिम गैस पे अच्छी तरह से आपने इसको रोस्ट करना है, जब तक कि इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। अच्छी तरह से रोस्ट करते रहिए, ध्यान रखिएगा सिम गैस में ही रखिएगा, लो फ्लेम में ही रखिएगा, जिससे ये जले नहीं, और इसको हिलाते रहिएगा। जैसे ही थोड़ा कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा डार्क हो जाए, फिर आपने इसे पानी डाल देना है। पानी डालते हुए ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा रिंसी ना हो जाए या ज़्यादा थिक ना हो जाए। पानी डालिए, अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, लम्स फ्री पेस्ट बना लीजिए, और गैस ऑफ कर दीजिए एक बॉयल होने के बाद। अब आपने इसको ठंडा करना है 1 घंटा, या तो ओवरनाइट भी भिगोकर आप इसको रख सकते हो। उसके बाद आपने अपने सफ़ेद बालों पर लगा लेना है, चाहो तो इसे मेहंदी भी डाल सकते हो अच्छे रिजल्ट के लिए। इसको लगा के रखिए 2 घंटा, उसके बाद आपने प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है, देन आपने बालों को सुखा करके ऑयलिंग करनी है, नेक्स्ट डे शैम्पू कर लीजिए। इस तरह से आपने वीक में इसको 2 बार अप्लाई करना है, लाजवाब वे से वर्क करता है। मिलती हूँ अगली नई अच्छी और इफेक्टिव वीडियो के साथ। टेक केयर एंड थैंक्स सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।